नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। एमपी में इस पार्टी के सरकार बनने के 85% चांस, फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान ने चौंकाया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की वोटिंग हो चुकी है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक है। जीत हार का खुलासा 3 दिसंबर को होगा। भाजपा और कांग्रेस में टफ फाइट मानी जा रही है। चुनावी नतीजे सामने आने के पहले दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। इस बीच राजस्थान के एक सट्टा बाजार के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में गहमागहमी पैदा कर दी है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी। सट्टा बाजार में बीजेपी को 115 से 117 सीटें, वहीं कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस अनुमान से कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का भाव 1 रुपया, वहीं कांग्रेस सरकार का भाव 1 रुपया 25 पैसे चल रहा है। सटोरियों के मुताबिक 85% चांस है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाए, वहीं कांग्रेस सरकार बनने का चांस 15% ही है। एक हफ्ते के बाद सट्टा बाजार के अनुमान में बड़ा फेरबदल हुआ है। कुछ दिनों पहले जहां कांग्रेस को 114 से 116 सीटें और भाजपा को 110 से 112 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, वहीं अब बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले में ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया गया है, वहीं राजस्थान में भाजपा सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 1 डिग्री लुढ़का पारा। एमपी में बारिश से पहले हल्की ठंड, पचमढ़ी की रात सबसे ठंडी। आपको बता दें, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से पहले मध्य प्रदेश में दिन रात के टेम्परेचर में हल्की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई शहरों में दिन का पारा 1 डिग्री से ज्यादा लुढ़क गया। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी की रात सबसे ठंडी है। यहां रात का तापमान 12 डिग्री से कम चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 नवंबर को उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंच रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी होगा। यह सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। बारिश हुई तो यह सीजन का पहला मावटा होगा। मौसम केंद्र के फोरकास्ट इंचार्ज डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सिस्टम की वजह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कब कहां हो सकती है बारिश? 25 नवंबर को प्रदेश में बादल छा सकते हैं। 26-27 नवंबर को इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में असर रहेगा। 27-28 नवंबर को भोपाल समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। राजस्थान कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख को नौकरी, जातिगत जनगणना भी होगी। आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक का बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी हैं, उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी। फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे के लिए कानून लाएंगे। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा देंगे। ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे। सोना चांदी खरीदने बाजार जा रहे हैं, जाने आज बुधवार का लेटेस्ट भाव। आपको बता दें, एकादशी से पहले सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आज 22 नवंबर का ताजा भाव चेक कर लें। आज बुधवार को सोने के दामों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन चांदी के दामों में गिरावट आई है। फिलहाल सोना 57,000 रुपए और चांदी के रेट 76,000 रुपए के करीब चल रहा है। आज बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक
आज 22 नवंबर को 22 कैरेट सोने के दाम 57,000 रुपए, 24 कैरेट के दाम 62,170 रुपए और 18 ग्राम 46,640 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 76,000 रुपए चल रहा है। मूंग गेहूं में दिखी तेजी, उड़द मसूर व सोयाबीन में आई कमी, जाने 21 नवंबर का मंडी भाव। आपको बता दें, इंदौर मंडी के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए हैं। वहीं देसी चना में कमी देखने को मिल रही है। मूंग गेहूं में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मसूर व सोयाबीन में बीते दिन की अपेक्षा कमी देखने को मिल रही है। आज की मंडी भाव की बात करें तो सोयाबीन, सरसों के भाव में तेजी देखी गई है, जबकि उड़द में कमी देखने को मिल रही है। दलहन और तिलहन का कारोबार सामान्य बना हुआ है। अदरक में भी उछाल देखी जा रही है। प्याज में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। लहसुन में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सोयाबीन 4,716 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 1,890 से 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं सुजाता 3,910 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2,190 रुपए प्रति क्विंटल, डॉलर चना 3,650 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल, देसी चना 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, चना कांटा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 5,620 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 5,800 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग एवरेज 8,010 रुपए प्रति क्विंटल, तुअर 7,715 रुपए प्रति क्विंटल, तुअर सफेद महाराष्ट्र 9,862 रुपए प्रति क्विंटल, तुअर कर्नाटक 9,110 रुपए प्रति क्विंटल, निमाड़ी तुअर 5,314 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 6,620 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों निमाड़ी 5,344 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द बोल्ड 5,170 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द मीडियम 5,095 रुपए प्रति क्विंटल, हल्का उड़द 4,558 रुपए प्रति क्विंटल। नौवीं कक्षा में अब 13 साल की उम्र में भी होंगे नामांकन। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों को नौवीं कक्षा के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष की है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भी हर साल जारी निर्देशों में 5 वर्ष की न्यूनतम आयु के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में प्रवेश देने के लिए सत्र की शुरुआत में निर्देश जारी करता है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल व डीजल के दाम घटाने के दिए संकेत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल के दाम की समीक्षा कर जनहित में फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां पर राजस्थान से सस्ता पेट्रोल डीजल है। कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी कोने में कांग्रेस नहीं बचनी चाहिए। देखते ही देखते यहां से भी 3 दिसंबर को कांग्रेस सरकार छूमंतर हो जाएगी। यह बातें उन्होंने मंगलवार को राजस्थान के बारा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। पीएम ने कहा कि मेरी गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, मुफ्त इलाज और राशन मिले। सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक गरीबों को नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने वाली मोदी की गारंटी की गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में आ रही है। मोदी की गारंटी पूरी होकर रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ